हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सीआरएम ट्रेनिंग। पर्टिकुलरली ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीआरएम के अंदर लीड को क्रिएट कैसे करें। तो उसके काफ़ी सारे वे हैं, जैसे कि फर्स्ट वे हो गया इंटीग्रेशन का, राइट? कि काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स जो है, जो B2B B2C प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि इंडिया मार्ट है, फेसबुक एंड गूगल एड्स, ये सब है, आपकी वेबसाइट है, राइट? तो उसके साथ डायरेक्टली इंटीग्रेशन API के थ्रू करके भी हम वहाँ पे जो भी लीड्स जनरेट होती है वो सब यहाँ पे ला सकते हैं CRM के अंदर में, राइट? एंड अनदर वे हो गया मैन्युअली क्रिएट करना, लाइक किसी ने आपको WhatsApp में कुछ इंफॉर्मेशन सेंड की कि मुझे ये टाइप की रिक्वायरमेंट है, तो आपको मैन्युअली क्रिएट करनी होगी। इसके अलावा लेट्स से किसी आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर ने या फिर कोई भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ने आपको रेफरेंस दिया, तो वो हिसाब से आप मैन्युअली क्रिएट कर सकते हैं, राइट? तो मैन्युअली क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप क्रिएट का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो भी लीड है उसका नाम लिख दीजिएगा, जैसे कि राहुल, राहुल करके इंक्वायरी है। राहुल को आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी कंपनी का नाम भी आपको चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते ABC कंपनी से राहुल है, राइट? एंड यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन कस्टमर का है। अभी जब कभी भी कोई इंक्वायरी फर्स्ट टाइम CRM के अंदर आ रही है तो उसका कोई कस्टमर की हिस्ट्री हमारे पास रहेगी नहीं, तो इसको आप इग्नोर करिए। एंड एडिट करके बटन है उसके ऊपर क्लिक करिए, तो पूरा का पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन राहुल के रिलेटेड है वो सब आप फिल कर सकते हैं, राइट? एंड यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉलोअप के बटन के अंदर में उसकी कंपनी का नाम और वो लीड कि कहाँ से आई, कौन से सोर्स से आई है या फिर किसके थ्रू आई, किसी ने रेफर किया है, तो राइट, तो ये सब इंफॉर्मेशन जितनी भी है आपके पास वो आप ऐड कर सकते हैं। ये बात हो गई मैन्युअली लीड क्रिएट करने की। लाइक अभी हमको देखना है लेट से कि मेरे पास काफ़ी सारे लीड एक्सेल के अंदर है और वो मुझे इंपोर्ट करनी है CRM में, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, राइट? इंपोर्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी इंपोर्ट का फॉर्मेट है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, राइट? वो फॉर्मेट आपको ऐसे विजिबल होगा, उसके अंदर उसका नाम, कंपनी के नेम, कॉन्टैक्ट, ईमेल, जॉब पोजीशन, जो भी फील्ड हमारे पास CRM में रहेंगे वो सब आपको यहाँ पे विजिबल करेंगे। लेट से कोई एक फील्ड इसके अंदर नहीं है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। लाइक मुझे यहाँ पे ऐड करना है कि टैग, मुझे टैग भी एलोकेट करना है, तो मैं यहाँ पे टैग करके ऐड कर दूंगा टाइटल एंड CRM में एक लीड को मैं ओपन कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? ये लीड को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे ऑलरेडी टैग बना हुआ है लैपटॉप करके, राइट? तो यही सेम कंडीशन में आपको एक्सेल शीट के अंदर डेटा डालना होगा, तभी सॉफ्टवेयर उसको कैप्चर कर पाएगा कि लैपटॉप का L कैपिटल है एंड लैपटॉप लिखा हुआ यहाँ पे CRM के अंदर टैग अवेलेबल है, राइट? लेट से हम यहाँ पे गलत लिखते हैं लैपटॉप, ठीक है, यहाँ पे एक टैग ऐड कर दिया। उसके अलावा लेट से ये इंक्वायरी मुझे कोई एक सोर्स से मिली है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, सोर्स वैसे भी लास्ट में होगा बट यहाँ पे मैं फिर भी डाल देता हूँ फेसबुक, और उसका भी F मैंने स्मॉल लेटर रखा है, राइट? तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे फील्ड्स हैं, वो सब आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो अभी के लिए हम ये दो फील्ड की बात करते हैं, राइट? तो CRM के अंदर में हमारे पास काफ़ी सारे फील्ड्स है ऑलरेडी, जिसके अंदर काफ़ी सारे फील्ड ऐसे हैं जो कि आपने जो वो कैटेगरी की कोई डिटेल्स ऐड की है CRM में वो आपको चूज करने के लिए ऑप्शन देता है, राइट? या फिर नया आप क्रिएट कर सकते हैं, बट आप कुछ भी नहीं लिख सकते, जो भी यहाँ पे प्री डिफाइंड है वही केवल आप चूज कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारा एक टाइप का फील्ड हो गया। और दूसरे टाइप का फील्ड है जो यहाँ पे है, जिसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह, तो ये फ्री फील्ड है, राइट? वही हिसाब से यहाँ पे ईमेल आईडी का है, मोबाइल नंबर का है, तो ये सब फ्री फील्ड है। अगेन यहाँ पे फॉलोअप के अंदर आप जाके देखेंगे तो एड्रेस का है, राइट, सिटी का है, बट स्टेट फिक्स है, तो स्टेट का आपको लिस्ट व्यू वाला फील्ड मिल जाएगा, तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कौन से स्टेट पर्टिकुलर आपको चूज करना है, राइट? वही हिसाब से सोर्सेस है। तो मतलब कि जितने भी फील्ड हमारे पास ऐसे हैं जो सिलेक्शन फील्ड है, आपको कोई एक पैरामीटर सिलेक्ट करना है जो प्रीडिफाइंड है उसमें से, तो वो सेम डिट्टो आपको कॉपी करके ही CRM में लगाना होगा, सॉरी एक्सेल में लगाना होगा, तभी सॉफ्टवेयर उसको चूज कर पाएगा, राइट? बट जो भी फील्ड ऐसे है कि जो फ्री है, आप कुछ भी उसके अंदर डेटा लिख सकते हैं, तो उसके अंदर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, राइट? अभी स्टेट के अंदर यहाँ पे स्टेट इतना ही कॉपी करना है, IN आपको कॉपी नहीं करना है, राइट? देखिए यहाँ पे स्टेट का अगर है फील्ड तो हम उसके अंदर ही डाल देते हैं, ये रहा स्टेट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ गुजरात, और यहाँ पे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ दिल्ली। अभी दिल्ली का स्पेलिंग मैंने बाय मिस्टेक D स्मॉल रखा है, राइट?
तो ये हमको सॉफ्टवेयर नोटिफिकेशन देगा जब हम लीड को इंपोर्ट करेंगे, राइट। इसको मैं अभी सेव कर लेता हूँ डेटा को, ओके। एंड अभी यही सीट जो लीड इंपोर्ट वाली है वो हम इंपोर्ट करके ट्राई करते हैं कि क्या क्या उसके अंदर नोटिफिकेशंस मुझे मिल रही है और उसको रिजोल्व कैसे करना है, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले आप पाइपलाइन के व्यू में आ जाइए, एंड यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करिए, लोड फाइल, लोड फाइल करके जो भी आपकी फाइल यहाँ पे है वो आप चूज़ कर लेनी है, राइट। तो आई थिंक मेरे पास यहाँ पे लीड इंपोर्ट, ओके, तो ये फाइल मैंने चूज़ कर ली। सी यहाँ पे जितने भी पैरामीटर्स है, जितने भी हमारी एक्सेल सीट के अंदर डेटा है, वो सबके टाइटल्स यहाँ पे आ गए, जस्ट टैग का टाइटल मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर टैग का स्पेलिंग है TAGS, टैग्स, राइट। तो इसके लिए कोई फिकर करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जाकर के आप मैन्युअली भी सॉफ्टवेयर को सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो भी डेटा है टैग वाला वो मुझे पर्टिकुलरली ये फील्ड है सॉफ्टवेयर के अंदर का वो चूज करके यहाँ पे मुझे चाहिए, राइट। सोर्स उसने ले लिया है क्योंकि उसका स्पेलिंग गलत नहीं था, बाकी सब भी पैरामीटर्स उसने ऑलरेडी ले लिया है। नेम है तो वो लीड का टाइटल बनेगा, तो अपॉर्चुनिटी आ गया, कंपनी नेम में चला जाएगा, ईमेल आईडी, सोर्स, राइट। तो यही हिसाब से सभी फील्ड ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर चूज कर लेगा। एंड यहाँ पे से आप टेस्ट बटन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपको दे देगा कि देखिए ये सब एरर्स है, जैसे कि लैपटॉप उसको मिल नहीं रहा है, राइट, मतलब कि एल कैपिटल होना चाहिए जो यहाँ पे स्मॉल है। देन अगेन फेसबुक करके जो भी हमारे पास ऑप्शन था, एंड दिल्ली करके ऑप्शन है, तो अभी इसको रिजोल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर बोल रहा है नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड लैपटॉप इन फील्ड टैग इन रो नंबर 2, राइट। तो हमको एक्सेल सीट ओपन करके रो नंबर 2 जो है हमारी, वो 2 नंबर की रो में ये फाइंड करना है टैग्स, टैग्स की जो कॉलम है और इसके अंदर लैपटॉप करके वर्ड, राइट। तो यहाँ पे रो नंबर 2 में हम आ गए और टैग जो है वो टाइटल मैंने कॉलम चूज कर लिया, लैपटॉप के अंदर में मैं जा करके इरेज करके लैपटॉप का एल कैपिटल कर देता हूँ। ये आपको पता चलेगा, सॉफ्टवेयर को ओपन यहाँ पे दूसरे टैब में कर लीजिए एंड वहाँ पे जाके देख लीजिए कि हमारे पास लैपटॉप की वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एल कैपिटल है, राइट। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सी पॉसिबल वैल्यूज तो भी आपको शो कर देगा। वही हिसाब से फेसबुक में भी सेम प्रॉब्लम है, रो नंबर 2 में फेस सोर्स का जो कॉलम है उसके अंदर फेसबुक का जो वर्ड है उसको परफेक्ट मिल नहीं रहा है, राइट। तो अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करके देख सकता हूँ कि फेसबुक का एफ कैपिटल है, राइट। तो मैं एक्सेल में जाके उसको रीनेम कर देता हूँ, एफ को कैपिटल कर देता हूँ, राइट। अगेन तीसरा हमारे पास आया है स्टेट का, स्टेट के अंदर देखिए गुजरात का नहीं आया क्योंकि मैंने जी कैपिटल किया था, राइट। दिल्ली का आया है क्योंकि डी मैंने स्मॉल में रखा था, तो यहाँ पे जाकर के भी आप अलग से देख सकते दिल्ली हमारे पास कौन से हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो कर देगा कि दिल्ली का डी कैपिटल है, ओके। वही हिसाब से मैं यहाँ पे चेंजेस कर देता हूँ दिल्ली का डी कैपिटल और इसको अगेन मैं सेव कर देता हूँ, राइट, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन सॉफ्टवेयर ने मुझे सजेस्ट किए थे वो सब मैंने सही कर दिए। अभी मैं ये फाइल को कैंसिल कर देता हूँ, ओके, एंड अगेन इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, लोड फाइल, और यहाँ पे मेरी जो भी फाइल है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ, राइट। तो अभी देखिए अगेन टैग का मैंने एक्सेल सीट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया था तो डोंट इंपोर्ट करके ऑप्शन आ रहा है। तो अगेन मैं यहाँ पे सर्च में जाके टैग्स को सर्च कर लूँगा, टैग्स को फिक्स कर दिया एंड टेस्ट बटन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा, राइट। तो अभी सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा प्रोसेस लेके देखेगा कि जो भी आपने यहाँ पे डेटा डाला है, जो भी सिलेक्शन वैल्यू थी, वो सॉफ्टवेयर को मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। अभी जो भी हमने यहाँ पे लैपटॉप, फेसबुक एंड स्टेट के अंदर दिल्ली, ये सबको इरेज करके जिस सॉफ्टवेयर में हमने ऐड किया है वही हिसाब से एक्सेल सीट के अंदर डाल दिया, तो यहाँ पे आ गया एवरीथिंग सेम्स वैलिड, सब कुछ सही लग रहा है। अभी आप इंपोर्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा एंड ये सभी डेटा को वो इंपोर्ट कर देगा और आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा राइट साइड पे कॉर्नर पे कि इतना डेटा इंपोर्ट हुआ है, देखिए 8 रिकॉर्ड्स वेयर सक्सेसफुली इंपोर्टेड, राइट। तो ये सभी लीड्स हमारी यहाँ पे बन गई है। तो ये हिसाब से आप डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं थ्रू एक्सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।